अगर भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा सत्ता में आ गई तो भैया नौकरी नहीं मिलेगी, अब चुनाव नहीं होंगे, संविधान खत्म हो जाएगा, इस देश का संविधान खत्म हो जाएगा और शायद ये अंतिम चुनाव होगा कि हम लोग वोट करने जा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो फिर से इस देश से लोकतंत्र तो खत्म हो ही जाएगा, हो सकता है कि भविष्य में कभी चुनाव हो ही ना। 2024 लोकसभा चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है तो यकीन मानिए संविधान खतरे में आ सकता है भाई साहब, यकीन मानिए। अभी तो कुछ रोजगार मिल रहे हैं लेकिन 2024 में अगर भारतीय जनता पार्टी फिर दोबारा सत्ता में आ गई तो भैया नौकरी नहीं मिलेगी, अब चुनाव नहीं होंगे, संविधान खत्म हो जाएगा, यकीन मानिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विपक्ष दलों के लोग कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं परवेज आलम जी, इनको आप जानते होंगे, इनके पिता बहुत फेमस रहे पूरे उत्तर प्रदेश में, पूर्व मंत्री रह चुके हैं इनके पिता, हालांकि इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल ये है, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर टीवी समाचार में आपका, और सबसे बड़ी सवाल इस समय ये घूम रही है कि विपक्ष दल के लोग कह रहे हैं कि सर इस बार जो लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत गए तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, तो सबसे पहला मेरा यही सवाल, कैसे खतरे में आ सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जी जो है संविधान में विश्वास रखने वाली पार्टी है ही नहीं। अच्छा, पहली चीज। दूसरी चीज, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इस देश के संविधान को खत्म करके अच्छा। और इस देश में तानाशाही लाए और इस देश को, ये देश संविधान से चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से, ये देश की जनता को तय करना है। मुझे लगता है कि ये देश जो है संविधान से चलना चाहिए, है ना, न कि भारतीय जनता पार्टी के विचारों से और सिद्धांतों से, है ना। भारतीय जनता पार्टी देश में एक ऐसी पार्टी है जो समाज को बांटने का काम करती है, जाति धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद के नाम पे राजनीति करती है, उसको विकास से और देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए 2024 का चुनाव बीजेपी बुरी तरह से हारने जा रही है। सर बीजेपी वाले कह रहे हैं, हालांकि मोदी जी कह रहे हैं कि अगर हम लोग हिंदू मुस्लिम करते, अगर मंदिर और मस्जिद की बात करते तो शायद मैं 400 पार कह रहा हूँ 2024 में हम लोग जीतेंगे, तो ये संभव नहीं हो पाता। भारतीय जनता पार्टी के लोग कैसे कह दे रहे हैं कि इस बार जो है कि 400 पार यानी हर रिकॉर्डों को तोड़ देंगे इस बार, हालांकि इंडिया अलायंस आप लोगों के साथ है, फिर भी ऐसे दमदारी के साथ बोल रहे हैं, तो किस बात को लेकर बोल रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है एक साजिश के तहत काम करती है, साजिश के तहत काम करती है। वो जानती है कि इस बार मुझे भारत की जनता जो है, देश की जनता नकारने जा रही है। अच्छा। एक प्रोपेगंडा, एक माहौल बनाया जा रहा है, उसमें तमाम संगठन, यहाँ तक कि मुझे कहने में गुरेज नहीं कि हमारे मीडिया के साथ ही भी शामिल है ना। तो भारतीय जनता पार्टी एक सोची समझी साजिश के तहत है ना, देश में एक माहौल खड़ा करना चाहती है। उसने कुछ नहीं किया। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वादा किया वो वादा क्या पूरा हुआ? अगर वो वादा पूरा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी देश की जनता वोट करे, लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो देश की जनता से वादा किया था है ना, वो कहीं पूरा नहीं हुआ है। उल्टा महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, करप्शन बढ़ा है ना, उसके बाद से समाज में जुर्म जाति बढ़ी है, समाज को बांटा जा रहा है, देश को कमजोर किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी अगर 2024 में कहीं गलती से आ गई तो इस देश की जमहूरियत खत्म हो जाएगी, इस देश का संविधान खत्म हो जाएगा और शायद ये अंतिम चुनाव होगा कि हम लोग वोट करने जा रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी आ गई तो फिर से इस देश से लोकतंत्र तो खत्म हो ही जाएगा, हो सकता है कि भविष्य में कभी चुनाव हो ही ना। अच्छा, जिस तरह ये भी बड़ा आरोप है, जिस तरह से विपक्ष दलों से लग रहा है। जी जी बिल्कुल। और जिस तरह से हिटलर ने 10 साल शासन किया जर्मनी पे, अच्छा, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का ये 10वां साल है ना, तो इसी तरह से समझिए। और उत्तर प्रदेश की जनता अगर स्वागत करना जानती है तो उत्तर प्रदेश की जनता है ना, इनकी विदाई करना भी जानती है। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी
का विदाई उत्तर प्रदेश से ही होना तय है। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी इनको सत्ता से बाहर करने जा रहे हैं। पहले थोड़ा सा बोले हैं, हालांकि इस समय मीडिया जो है कि देश का चौथा स्तंभ कहा जाता है, मीडिया पे भी थोड़ा बहुत आप आरोप लगाए हैं, तो मीडिया को गोदी मीडिया इन दिनों कहा जा रहा है। आखिर मीडिया को गोदी मीडिया क्यों कहा जा रहा है? वो तो कह रहे हैं कि भाई हम समाज के मुद्दा उठा ही रहे हैं, विपक्ष का मुद्दा उठा ही रहे हैं, गरीब मजदूर किसान बेसहाय लोगों को दिखाई रहे हैं, तो गोदी मीडिया हमें क्यों कहा जा रहा है? ये भी एक सवाल है। समाज के चार स्तंभ हैं जी, उन चार स्तंभों में से एक मीडिया भी जी है ना। तो मीडिया को निष्पक्ष होकर के मुझे वो दिया, मुझे मैंने एक लेख पढ़ा था जी, कि जब देश गुलाम था जी, और गुलामी के समय बड़े बड़े नेताओं की जेल की सलाखों में बंद रखा गया था, उस समय मीडिया ने है ना, मीडिया ने, हालांकि उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह नहीं हुआ करती थी, लेकिन उस समय की मीडिया ने, जब बड़े बड़े हमारे नेता जेल की सलाखों में बंद थे है ना, उस समय मीडिया ने देश को नौजवानों को जगाने का काम किया था है ना। तो कहीं ना कहीं आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है ना, मीडिया अपनी जो है आवाज खुल करके रख नहीं पा रही है, और कहीं ना हाँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मीडिया के साथ साथ जितनी भी सरकारी संस्थाएं हैं उसको भारतीय जनता पार्टी ने हाईजेक कर लिया। अच्छा मैं अगर बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में एक आपके पिता का बहुत बढ़िया छवि है, साकिर अली जी का, स्वर्गीय साकिर अली जी का। हालांकि इस छवि को देखते हुए आपको क्या लगता है कि आप तो हालांकि समाजवादी पार्टी से आप जुड़ गए हैं, पहले बीएसपी में थे, उसके पहले भी आप लोग सपा में रहे जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि इस बार जो लोग कह रहे हैं, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं इस बार भारी मात्रा में जो है कि भारतीय जनता पार्टी को भी वोट करने वाले हैं, जो है कि सबका साथ सबका विकास का हम लोगों ने काम किया, तो आपको क्या लगता है कि इस बार मुस्लिम समाज जो है उत्तर प्रदेश का, क्या इंडिया अलायंस के साथ जाएगा या भारतीय जनता पार्टी में भारी मात्रा में शामिल होगा? देखिए, मुस्लिम समाज ने कभी न भारतीय जनता पार्टी को पसंद किया है, न कभी पसंद करेगा, पहली चीज। दूसरी चीज मुस्लिम समाज ही नहीं जी, चाहे यहाँ का पिछड़ा हो, दलित हो, अल्पसंख्यक हो जी, है ना, ये सब लोग इस बार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करने जा रहे हैं जी, है ना। भारतीय जनता पार्टी ने जो किया कहा उसको पूरा नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में अंतर है ना, और इनके नेता जमीन पे काम नहीं करते है ना। इनके खुद ही नेता जो आज की डेट में विधायक हैं, सांसद हैं, अच्छा, वो लोग खुद कहते हैं कि मैं अपने कर्मों से विधायक एमपी नहीं बना हूँ, अच्छा, मोदी जी के नाम पे बना हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नाम पे बना हूँ। इतना बड़ा सवाल, तो इनके नेता जमीन पे काम नहीं करते, जनता की लड़ाई नहीं करते है ना। तो एक जो हवा चली थी वो हवा अब खत्म होने जा रही है ना। और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से देखिएगा कि 2022 के 2024 के चुनाव में जो है केंद्र की सत्ता से हटने जा रहे हैं, बेदखल हो जी। बस एक लास्ट सवाल रहेगा, हालांकि देवरिया से आप भी हैं, मैं भी हूँ, देवरिया पूरा हम लोग कवरेज कर रहे हैं लोकसभा, इस बार देवरिया का माहौल कैसा रहेगा, किस बेसिस पे चुनाव होंगे लोकसभा? क्योंकि लोग आप कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर आते हैं, जीत के चले जाते हैं, तो क्या इस बार भी वही होगा, मोदी जी के नाम पर आएंगे और जीत कर चले जाएंगे, कि कुछ अलग होने वाला नहीं? वो मैंने कहा, मेरे कहने का मतलब यह था कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात मैंने कहा, अच्छा, और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी ने कुछ किया नहीं जी, केवल सवाल देवरिया का नहीं है जी, पूरे प्रदेश का, पूरे देश का है, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। और जहां तक देवरिया की बात है, बता दीजिए कि कहीं कोई उद्योग लगा हो, यही देवरिया जनपद है कि चीनी का कटोरा कहा जाता था, 14-14 चीनी मिलें हुआ करती थी, आज के डेट पे सभी चीनी मिलें बंद है, तो कह रहे हैं विपक्षी डबल इंजन की सरकार है, दूसरा रिज्यूम मिलों का चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, चाहे प्रदेश का चाहे केंद्र का, लेकिन कोई उद्योग लगा देवरिया में? नौजवानों को रोजगार मिला, सड़कें टूट करके गड्ढे में तब्दील हो गई है ना, बड़ा बुरा हाल है। इससे भी बड़ा सवाल महंगाई है, सड़क की बात अगर महंगाई और बेरोजगारी, जैसे सरकार सड़क कह रही है कि सड़क और बिजली में हमें कोई फेल नहीं कर सकता जी, आप कहीं भी जाइए एकदम टू लेंथ का सड़क, आप बता दीजिए है ना, बता दीजिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, योगी जी दूसरे बार मुख्यमंत्री हैं, कोई एक कारखाना, बिजली कारखाना बैठा तो बता दीजिए उत्तर प्रदेश में? हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी थे, कई बिजली कारखाने उन्होंने बनवाए है ना। तो भारतीय जनता पार्टी केवल झूठ बोलने की राजनीति करती है ना, इसको जनता
जान चुकी है और देवरिया नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इस बार इनका सफाया करने जा रही है। उत्तर प्रदेश कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ होकर जाता है, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी का रास्ता बंद होने जा रहा है और उत्तर प्रदेश ही देश की नजीर बनेगा और भारतीय जनता पार्टी की विदाई उत्तर प्रदेश से होनी तय है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है, पूरे देश में सफाया होने वाला है। इंडिया अलायंस और समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता कह रहे हैं। हालांकि आप तो जानते हैं पूरे देश में माहौल गर्म हो गया है चुनाव को लेकर। हालांकि पूरे देश में हम लोग जा जाकर राजनीतिक चर्चा कर रहे हैं, पूरे देश में माहौल को दिखा रहे हैं कि क्या इस बार माहौल जो मोदी जी कहे थे इस बार 400 पार, तो क्या 400 पार नजर आ रहा है, उसी को लेकर चर्चा कर रहे हैं। हालांकि टीवी समाचार पे हमें देख रहे थे, टीवी समाचार ऐसे बेबाक खबरों के लिए जाना जाता है। टीवी समाचार को देखना है तो यूट्यूब पर जाएं, अदर सोशल साइट पर जाएं, वहां लिखकर दरे टीवी समाचार और लिखकर सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेबाक पत्रकारिता का साथ दे, समर्थन दे। तब तक ले लेते आप सलविदा, देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।